नागरिक अस्पताल में स्टाफ की कमी से करोड़ों रुपए की मशीनें हो रही हैं खराब। लगभग 6 साल से रेडियोलॉजिस्ट न होने से अल्ट्रासाउंड मशीन हुई कंडम। 3 साल से सर्जन न होने से आँखों के ऑपरेशन भी नागरिक अस्पताल में बंद पड़े हुए हैं, जिसके चलते करोड़ों रुपए की मशीनें नागरिक अस्पताल में कंडम हो रही हैं। आम जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर साल जहां करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, करोड़ों की मशीनरी नागरिक अस्पताल में भेजी जा रही है, लेकिन लोगों को इनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्टाफ की कमी के चलते मशीनें एक कमरे के अंदर बंद कर दी गई हैं, बल्कि मशीनें हॉस्पिटल में ही अब कंडम हो रही हैं। इसका मुख्य कारण इसको चलाने के लिए स्टाफ का ना होना है, जिससे मरीजों को निजी अस्पतालों में दुगने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कुछ मशीनें नागरिक अस्पताल में बजट की कमी के कारण शुरू तक नहीं हो पाई हैं। लाखों रुपए की लागत से सिविल अस्पताल में सरकार द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई है, जो पिछले लगभग 6 साल से कमरे के अंदर बंद रखी हुई है। इसका कारण यह रेडियोलॉजिस्ट का न होना है। अस्पतालों में आने वाली गर्भवती महिलाओं को निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर जांच करवानी पड़ रही है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेश भोला ने इस बारे में बताया कि नागरिक अस्पताल में जो सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जो मशीनें सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं, उन्हें स्टाफ की कमी के चलते एक कमरे में रखा गया है, ताकि मशीनें खराब न हों। जो हमारे पास डॉक्टर की पोस्टिंग होती है, वह भी सरकार द्वारा चंडीगढ़ से अपॉइंट की जाती है। हमारे पास लगभग पिछले 5 वर्ष से पहले डॉक्टर मंजुला यहाँ पर थी, जो कि रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से थी और वही अल्ट्रासाउंड करती थी। उसके जाने के बाद कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नागरिक अस्पताल को नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो मशीनें हैं उन्हें कमरे में रख दिया गया है, ताकि उन मशीनों का दुरुपयोग या मिसयूज न हो, जिसके चलते उनको सील करके वहाँ पर रखा गया है। जैसे ही नागरिक अस्पताल को रेडियोलॉजिस्ट मिलेगा तो मशीनों को चला दिया जाएगा। मशीनों को कमरे में सही तरीके से कवर करके रखा गया है। मरीजों के बारे में उन्होंने बताया कि जो गर्भवती महिलाएं आती हैं, सरकार की तरफ से उनको सभी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसके चलते सरकारी दर पर उनका अल्ट्रासाउंड प्राइवेट सेंटर पर करवा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ प्राइवेट संस्थानों से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए अनुबंध किया गया है, जहाँ पर गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करवाया जा रहा है। अब 6 साल से जो मशीनें करोड़ों रुपए की लाई गई थी डॉक्टर ने उनके कारण, जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन है, तो वो खराब हो रही है, क्या है सर? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो सिविल हॉस्पिटल में सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, वो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सरकार उपलब्ध करवाती है, और जो हमारे पास पोस्टिंग है डॉक्टर्स की, वो भी सरकार की तरफ से चंडीगढ़ से डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं और फिर भेजे जाते हैं। तो हमारे पास जो है लगभग 5 वर्ष पहले जो है वो डॉक्टर मंजुला थी, जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ट्रेंड थी, वो अल्ट्रासाउंड करते थे। उसके पश्चात लगभग 5-4 साल का जो समय निकला, उस दौरान कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं था, जिसकी वजह से जो हमारी मशीन थी उनको हम लोगों ने लॉक एंड की के अंदर रख दिया, ताकि उन मशीनों का किसी तरह से कोई दुरुपयोग या मिसयूज भी ना हो। तो उसको सील करके हम लोगों ने रखा हुआ है, और जैसे ही हम लोगों के पास रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग, एक्सपर्ट की पोस्टिंग होती है, तो वो मशीनें जो है वो कामयाब भी रहेंगी, और वो ऐसा नहीं है कि भी वो पड़े पड़े जो है उनके ऊपर धूल मिट्टी लगने से वो कंडम या खराब हो जाती हैं। उन लोगों को हमने अच्छी तरह से कवर करके, सील करके, सेफ अपना एक कमरे के अंदर जो है ना वो रखा हुआ है, और वो कमरे के अंदर इसलिए रखा जाता है, सील किया जाता है, ताकि उनके मशीनों का किसी तरह से कोई मिसयूज ना कर ले। डॉक्टर साहब, जो मरीज हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनको अल्ट्रासाउंड जरूर। जी बिल्कुल, देखिए जच्चा बच्चा केसेस के अंदर जो है सरकार की तरफ से हिदायत है कि सारी सुविधाएं उन लोगों को मुफ्त उपलब्ध होनी चाहिए, तो इस केस जच्चा बच्चा केसेस के अंदर
हम लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को एक अल्ट्रासाउंड लगभग 3 से 4 महीने के अंतराल में और दूसरा अल्ट्रासाउंड 8.5-9 महीने के अंतराल पे आवश्यकता पड़ती है। तो उन लोगों का जो अल्ट्रासाउंड है वो सरकारी दर पर हम लोगों ने प्राइवेट में माननीय सिविल सर्जन की दिशा निर्देश के तहत हायर किए हुए हैं और वहाँ हम लोग लोगों का अल्ट्रासाउंड जो है वो बिल्कुल निःशुल्क और मुफ्त करवाते हैं। सर कब तक डॉक्टर ने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।